हेलो, मैं जसवीर अपने चैनल जसवीर क्रिएशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको, सब बहनों को शाल बनाना बताऊँगी। ये शाल मैंने बनाया है, ये मैंने 170, हाँ ये 170 फंदे डाले हैं। आप 190 फंदे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये शाल है। जितनी आपको वेट चाहिए चौड़ाई उतनी आप बना सकते हैं। मैंने इतनी चौड़ाई का बनाया है, ये देखिए। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन शाल पे बनकर बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं, ये देखिए। मैंने इसका बॉर्डर भी बनाया है, तो जो आगे सिर पे आता है बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर बनाया है। आप भी बनाइए। मैंने 6 फंदों का उल्टे बुने हैं, 2 सीधे, फिर मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप दूसरी तरह भी बना सकते हैं। इसमें सिंगल लाइन ला सकते हैं, 2 सीधे ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेसफुल बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। मैं आपको ये शाल बनाना बताऊंगी। ये मेरी आंटी कनेडा वाली ने बोला था कि मुझे शाल बना कर भेजो, तो मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, तो आप भी उसी हिसाब से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है बनकर, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत सुंदर है। ये जब बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं आपको ये शाल बनाना बताऊंगी। प्लीज़ आप इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको और दिख जाए, आप उसको देख सकें, और अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैं आपको और बताऊंगी। तो ये वाला जो शाल है, इसका डिज़ाइन बनाना मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने फंदे डाल रखे हैं। तो आपने इसमें 180 फंदे भी डाल सकते हैं, 190 फंदे भी डाल सकते हैं। और ये ऐसे स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए जिग जैग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब डिज़ाइन बनाते हैं तो जो ऐसा बन जाता है। तो आगे आपका मन है तो बॉर्डर बनाइए, लेकिन बॉर्डर बनाएंगे तो ग्रेसफुल आएगा। ये देखिए जी, मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने फंदे डाल लिए हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये 9 फंदों का डिज़ाइन है, 9 फंदों का डिज़ाइन है। एक फंदा बीच में सीधा आएगा और दोनों तरफ जाली आएगी, ऐसे दोनों तरफ जाली आएगी। 9 फंदे बीच में आएंगे, फिर एक सीधे के दोनों तरफ जाली आएगी, फिर 9 फंदे, फिर जाली। फिर आपकी मर्जी है कि आपने एक फंदा रखना है या दो। तो आगे आपने बॉर्डर बनाना है, तो मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए, मैंने फंदे डाल लिए हैं। मैं पहले 5 फंदे उल्टे बुनूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा ही बॉर्डर बता रही हूँ। 5 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब मैंने एक फंदा सीधा बुन लिया है। अब मैं इस फंदे पे जाली डाल लूँगी, क्योंकि ये फर्स्ट जाली है तो मैं एक ही डाल लूँगी। ये फर्स्ट जाली है, दूसरी जाली में मैं दोनों तरफ डाल लूँगी, इसमें मैं एक डालूँगी। तो मैंने जाली डाल ली है, तो एक बुन लिया है मैंने। एक बुनने के बाद अब मैं उल्टा बुनूँगी। इस फंदे को 3 बार ऐसे करूँगी, थ्रेड को 1, 2 और 3, और 9 फंदे बुनूँगी। 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो मैं 9 फंदों को जो बल डालूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को डाला है, 2 को और डालूँगी, 1, 2, 3। मैंने 9 फंदों को बल डाल लिया है, ये देखिए। अब मैं एक फंदा सीधा बुनूँगी और इस पे जाली डाल लूँगी, फिर इसके साथ एक फंदा सीधा बुनूँगी, और फिर थ्रेड इधर करूँगी, और 9 फंदों को मैं ऐसे बुनूँगी।
आप दो बार भी डाल सकते हैं, तीन बार भी डाल सकते हैं। तो दो तीन बार डालिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन, एक दो तीन, ऐसे आप नाइन फंदों को डाल। ये देखिए मैंने फंदे डाल लिए हैं नाइन को तीन बार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ है। दो चार छ आठ तो नौ, नौ को मैंने बल डाल लिए हैं। अब मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी और इसके ऊपर जाली डालूंगी और फिर एक फंदा और सीधा बुनूंगी, दोनों तरफ जाली डालगी। अब मैं पांच फंदे उल्टे बुनूंगी, दो तीन चार, एक और उठा लूँगी। बैलेंस बराबर रखना है तो पांच फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई में क्या करूँगी, उल्टी सिलाई में मैं इसको एज इट ऐसे ही बुनूँगी। उल्टी में जो फंदे मेरे पांच हैं, तीन चार और पांच, और बाकी जो मैंने बल डाला है इस पे वो बुनूँगी। ये दो फंदे हो जाएंगे और इसको मिला के तीन मैंने बल डाला था। जो नाइन फंदों को मैंने बल डाला है उसको मैं खोल दूंगी, एक ये मेरा कुछ, तो ये देखिए दो चार पांच फंदे मैंने जो बॉर्डर के बनाए हैं वो मैंने बुन लिए हैं। बाकी के तीन फंदे बनते हैं, एक सीधा रखना है, एक पे जाली डाली थी तो दो बन गए, तो ये दो फंदे वो हैं। अब मैं इन फंदों को नाइन फंदों को उतार लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, नौ फंदे हैं मेरे। मैंने इनको उतार दिया है। अब मैं इनको सीधा करूँगी, ऐसे सीधा करके मैं सब का एक कर दूँगी, सब फंदों का एक करूँगी, ऐसे एक कर लिया। अब मैं दूसरे पांच फंदे बन जाएंगे बीच वाले, दो तीन चार और पांच, जिस पे मैंने जाली डाली थी। अब नाइन फंदे मैं फिर उतारूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन फंदे मैंने फिर उतार लिए, दो दो चार छः आठ और नाइन, नाइन फंदे उतार के मैं इन नाइन का इस सिलाई में डाल के एक करूँगी, ऐसे ऐसे एक कर लिया, एक कर लिया। फिर मैं पांच फंदे बनूँगी जाली वाले, वो पांच हो जाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, और बाकी के मैं बॉर्डर वाले फंदे बुन लूँगी। ये देखिए ये ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा डिज़ाइन। अब मैं फिर पांच फंदे, दो सिलाई का ही, दो सिलाइयों में डिज़ाइन बन गया है। पहली सिलाई में हमने बल डाले थे सीधे में, उल्टे में हमने बल खोल दिए हैं। अब ये थर्ड सिलाई है, थर्ड सिलाई में पहले मैं बॉर्डर बुनूंगी, जो मैंने पांच फंदों का रखा है। आप छः का रख सकते हैं, सात का रख सकते हैं। ये मैंने पांच फंदों का बॉर्डर बुना है, जो आगे वाला बॉर्डर है वो बुना है। अब मैं एक फंदा सीधा बुनना ही है तो मैं बुन लूँगी। अब मैं इधर जाली डाल लूँगी एक पे, दूसरे को भी बुन लूँगी। अब जो मैंने एक फंदा किया है उसका ये साइड में से उठा लूँगी, ऐसे फिर इसको उठा लूँगी और फिर इसके साइड वाला जो इसमें लास्ट में है ना, जो उस फंदे को उठा के सीधा बुनूँगी और दूसरे फिर को भी बुन लूँगी। अब मैंने जहाँ जाली डालनी है तो मेरे ये सात फंदे हो जाएंगे जहाँ मैंने जाली डाली है, ये देखिए। उसके बाद मेरे दो चार छः और सात फंदे हुए। अब मैं फिर जहाँ जाली, हर बार जहाँ जाली डालनी, इधर भी
तो मैं जहाँ जाली डालूँगी, जहाँ भी जाली डालूँगी, और जाली डालते ही मेरा एक फंदा गिना जाएगा। जाली डाली, एक दो, इसको उठा लूँगी फंदे को, तीन, इसको आप सिलाई पे भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये लास्ट वाला उठा लिया है फंदा, इसको आप सिलाई पे डाल लो और बुन लो। तो कितने हो गए जाली के बाद, तीन, और जो घटाए थे चार, और ये लास्ट वाला फिर उठा लूँगी, और पाँच और छः और सात, सात फंदे बीच में हो जाएंगे। इस पे फिर मैं जाली डालूँगी, ये लास्ट में है क्योंकि इसमें एक बुनने से पहले ही जाली डालनी ही डालनी है, तो पांच फंदे फिर उल्टे आ जाएंगे, तीन चार पाँच। अब उल्टी सिलाई है, उल्टी पूरी सिलाई प्लेन उल्टी ही बुननी है, ऐसे पूरी सिलाई, ये चौथी सिलाई है। अपना आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, इसको मैं पूरा उल्टी सिलाई ही बुनूंगी, ऐसे। जी देखिए, ये डिज़ाइन ऐसे बनता है। अब मैं फिर डिज़ाइन स्टार्ट करना है, ये डिज़ाइन तैयार है, छह सिलाइयों का डिज़ाइन है, दो सिलाइयाँ मैंने सिंपल बुनी थी, उसके बाद डिज़ाइन दो में डाला था, दो में कवर किया। अब फिर दो सिलाइयाँ मैं सिंपल डालूँगी, सीधे पे सारे फंदे सीधे डालूँगी, लेकिन जाली डालूँगी साथ में। तो कैसे डालनी है ये देखिए, पहले बॉर्डर बुनिए अपना पांच फंदों का, चाहे आप छः रखिए चाहे सात रखिए, ये पहले ये बॉर्डर है आगे का, शाल के आगे का बॉर्डर है। तो एक फंदा आपने सीधा बुनना ही बुनना है, उसके साथ में ही जाली डाल देनी है। तो सात फंदे आगे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये नाइन फंदे हो गए हैं आपके। बल के साथ वाला भी एक गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर जाली वाला आ गया, तो जाली डालनी है ये देखिए। तो नाइन फंदे बीच में आने चाहिए, ये हमारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट होगी। फिर जाली डालिए इस पे और ना नाइन फंदे बुनिए, जाली वाला फंदे को एक बुनिए, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नाइन। अब फिर लास्ट में एक आ गया और जाली डालनी है, और पांच फंदे ऐसे ही बुनने हैं, ये देखिए ऐसे डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। तो सिलाई ये सीधी आई, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है, मैं उल्टी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए दो सिलाइयाँ मैंने बना ली है बीच में, अब ये 11 फंदे हो गए हैं उल्टी सिलाई बनाने के बाद। तो जाली वाला जो फंदा है वो वाला बुन लिया है, दो चार छः आठ नौ दस ग्यारह। तो जाली के इधर भी जो सीधा फंदा है जो हमारा चलता हर बार चलना है, उसके इधर भी 11 है, उसके इधर भी 11 फंदे हैं। तो फिर डिज़ाइन वही स्टार्ट होगा। आपने जब डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो 11 फंदे बीच में, मतलब 9 फंदे बुन के एक फंदा बुनना है, तो जाली वाले के साथ वाला एक फंदा, बीच वाले तीन रखने हैं, बाकी बीच वाले तीन फंदे रखने हैं और बाकी 9 9। मैंने बोला था 9 और 1, नहीं 9 और 3, 9 3 9 3, जैसे इसमें डाला है 9 3 9 3 9, ऐसे फंदे डालने हैं आपने। जब आप फंदे डालोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो अब मैं फिर डिज़ाइन स्टार्ट करना है, दो सिलाइयाँ मैंने ऐसे प्लेन बना ली हैं जिसमें मैंने जाली डाली है, तो फंदे बढ़ गए हैं, बीच में 11 फंदे आ गए हैं। अब मैं फिर डिज़ाइन को स्टार्ट करना है, तो कैसे करना है ये देखिए, पाँच फंदे मैंने बुनने ही हैं,
क्योंकि ये बॉर्डर के फंदे हैं और एक फंदा मैंने सीधा बुनना ही है। उसके साथ में मैंने जाली डालनी ही है क्योंकि ये हमारा हर सिलाई में यही काम होगा। आगे हमने जाली के साथ एक फंदा बुन लिया है, जब मैंने ये जाली डाली तो मैंने एक फंदा बुन लिया है। अब मैंने 9 फंदों को फिर इधर थ्रेड करके 1, 2 और 3 बार डालना है थ्रेड को। 1, 2, 3 9 फंदों को मैंने ऐसे बल डाल के बनाना है। तो आप भी 9 फंदों को ऐसा ही बल डालिए और बनाइए। ये देखिए मैंने 9 फंदों को बल डाल लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये दिख रहा है मोटा मोटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 9 फंदों को मैंने फिर बल डाल लिया है। अब ये बाकी के एक फंदे को मैंने बुनना है क्योंकि 3 फंदे हैं जाली वाला, 3 फंदे हैं तो एक को मैंने बुनना है हर बार, फिर इसमें जाली डालनी है, फिर इसमें जाली डालनी है तो एक बुनना है। अब मैंने फिर 9 फंदों को बल डालने हैं। 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ये देखिए 9 फंदों को मैंने फिर बल डाल लिया है। अब मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी, उसके साथ जाली डालूंगी और 5 फंदे बॉर्डर के उल्टे बुनूंगी। बस ऐसे ही बनाना है, बहुत आसान है। उल्टी सिलाई में एक बार फिर बता देती हूँ, डिज़ाइन बहुत आसान है, बनके बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने पहले बॉर्डर के फंदे तो बुनने ही हैं मैंने, और पहला फंदा हमेशा आप वैसे ही उतारिए जैसे वो बुना हुआ होता है। तो सीधा बुना है तो सीधा उतार लिया मैंने, इससे बड़ी सुंदर सी जे वाली लाइन आती है, बड़ी सुंदर, ऑड नहीं लगती, बड़ी सुंदर दिखती है। तो ऐसे ही आपने डालना है 2, 3, 4 और 5 अब आगे के मैंने 3 फंदे बुन लेने हैं, जाली वाला दूसरा और सिंपल, जाली वाला दूसरा सिंपल। और जो मैंने थ्रेड डाला था 3-3 का 9 फंदों को वो उतारने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अब 9 फंदे मैंने उतार लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 9 इनको मैं इस सिलाई में ले आऊँगी और इनका सबका एक करूँगी, एक कर दिया। अब फिर मैं 5 फंदे बुनूँगी, 1, 2, 3, 4 ये जाली वाले हैं ना, जाली वाले, ये 5 फंदे बुनूँगी, फिर मैं इनको उतारूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 9 फंदे मैंने उतार लिए, इनको मैं सबका एक कर दूंगी ऐसे, और फिर मैंने बाकी के फंदे उल्टे सारे बुन लेने हैं क्योंकि मेरा बॉर्डर आ गया आगे। अब ये देखिए, अब ये सीधी सिलाई आ गई है, इस पे मैंने फंदे उठाने हैं साथ में से, एक बार उठा के बता देती हूँ, बाकी प्रोसीजर वही है। आप इसको बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, डिज़ाइन को कहीं भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं शाल बनाया है तो मैं शाल का ही डिज़ाइन आपको बोलूँगी बनाने के लिए। मैंने साइड से फंदे उठा लिए हैं, बाकी के फंदे मैंने बुन लिए, 7 फंदे हो गए हैं। मैंने जाली डाल ली है, फिर इसमें जाली डालनी है क्योंकि इसमें दोनों तरफ जाली डालनी ही है। तो मैंने जाली डाल के एक फंदा हो गया, एक दूसरा हो गया, एक मैंने नीचे से उठाना है, इस जो बुने हुए हैं ना इसमें से जो मैंने
9 बुने थे उनमें से एक उठा के रख लिया, उसको बुन लिया, और जिसको एक किया था 9 का वो भी बुन लिया। फिर लास्ट में मैंने फिर उठाना है, इसको भी बुन लिया। अब फिर जाली से पहले 2 फंदे बुन लिए, तो ये हो गए 7 फंदे। ये जाली वाला सीधा फंदा है, 2, 4, 6, 7, 7 फंदे आपके फिर आ गए। और फिर मैंने जाली डाली है, तो एक फंदा बुनूंगी और बाकी एक, बस उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी, पूरी उल्टी बुनूंगी। अब जो सीधी सिलाई है, मैंने बॉर्डर के बुन लिए हैं, जो साइड में बॉर्डर चलेगा, मैंने एक सीधा बुन लिया है, इसमें मैंने जाली डाल ली है, तो 7 फंदे और बुनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 9 फंदे बुनूंगी। पिछली बार 7, पहली सिलाई में 7 बने थे, मैंने एक नीचे से उठाया था, इधर से एक इधर से, तो 7 फंदे थे। बाल डाला हुआ था दोनों तरफ, जाली डाली हुई थी, तो 9 फंदे। अब 9 फंदे बन गए हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन फिर स्टार्ट होने को तैयार है। ऐसे ही सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे, तो हमारा डिज़ाइन जब उल्टी बुन लेंगे तो फिर सीधी पे आके फिर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आप बनाइए, अपनों को बना के दइए, अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को, अपनी मम्मा को, अपनी मदर इन लॉ को बना के दइए, दीजिए, तो मदर इन लॉ बहुत खुश होंगे आपके कि मेरी बहू ने बनाया है, तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप ऐसे डिज़ाइन बनाइए, इधर बॉर्डर बनाइए, और सुंदर सा शाल बनाकर आप अपने लिए भी बनाइए और गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बनाया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी आंटी बहुत खुश होंगे ये शाल देख के। तो आप भी बनाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। जी देखो, जी देखिए, जी देखिए, बहुत सुंदर लगेगा बन के डिज़ाइन। और ये स्टिचेबल भी है, ऐसे भी देखो, ऐसे भी, इधर से भी, जी देखिए। तो थैंक यू।